देश भर में संक्रमितों की संख्या पहुंची 35,365 के पार। पिछले 24 घंटे में 1755 नए मामले आए सामने। अब तक 1152 लोगों ने गंवाई जान, 9,064 लोग हो चुके हैं ठीक। भोपाल गैस त्रासदी से बचे 13 लोगों की कोरोना से मौत। राजधानी में महामारी से अब तक 15 की गई जान। शहर में कोरोना से 508 लोग बीमार। देश में लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर बड़ी तादाद में जुटे लोग। सामाजिक दूरी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते दिखे लोग। भीड़ जुटने से बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। मुंबई में अब कोरोना टेस्ट ऑन व्हील्स। बीएमसी ने उतारी स्पेशल बस। पूरी लैब को बस के अंदर किया गया तैयार। संदिग्ध पाए जाने वाले इलाकों में जाँच कर पाएगी चलती फिरती बस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचे करीब 1200 मजदूरों का फूलों से स्वागत। तेलंगाना के अलग अलग शहरों में फंसे थे मजदूर। गृह राज्य पहुंचने पर कई लोगों की आंखों से छलके आंसू। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने पर भी सील नहीं होंगे अस्पताल। दिल्ली समेत देश के महानगरों में इलाज का संकट। अस्पतालों में पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम। बंगाल में निजी अस्पतालों को सामान्य सेवाएं बहाल करने का आदेश। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को सरकार ने बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। जामिया ने दिया छात्र छात्राओं को तुरंत हॉस्टल खाली करने का फरमान। प्रबंधन ने दिया घर जाने का आदेश। सरकार ने की है परिवहन की व्यवस्था। यूके के 271 नागरिक स्वदेश लौटे। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नागरिकों को लेकर ब्रिटिश एयरवेज ने भरी उड़ान। पंजाब में फंसे थे ब्रिटिश नागरिक। पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर। दोनों ओर से चल रही है फायरिंग। दुनिया भर में कोरोना से 2,39,000 से ज्यादा मौतें। संक्रमितों की संख्या 34 लाख के पार। 10,81,000 लोग हो चुके हैं ठीक। ब्राजील के राष्ट्रपति को 2 दिन में दिखानी होगी कोरोना जांच रिपोर्ट। ब्राजील के एक अदालत ने दिए राष्ट्रपति बोल्सोनारो को आदेश। जीवन ब्रॉडकास्टर के हवाले से खबर। दुनिया भर में जारी है कोरोना का संक्रमण। खतरे के मद्देनजर श्रीलंका में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। भारत में भी 17 मई तक पूर्णबंदी। 20 दिन बाद पहली बार मीडिया के सामने आया उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही थी अटकलें। कोरियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक खाद फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचा था किम। कोरोना को लेकर चीन पर जारी है अमेरिका का हमलावर रुख। अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने के दिए संकेत। कहा मामले में चीन ने बरती लापरवाही। बैंक प्रमुखों के साथ आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बैठक। वित्तीय हालात का लेंगे जायजा। उद्योगों में आर्थिक निवेश संबंधी कई मामलों पर मंथन की उम्मीद। अप्रैल में बेरोजगारी दर 23.5% पर पहुंची। सीएमआईआई के सर्वे में खुलासा, 1 महीने में 14.8% की बढ़ोतरी। चीन की दवाइयों पर नहीं है दुनिया को भरोसा। अब भारत बन सकता है दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। बंद पड़ी एपीआई को दोबारा शुरू करने की तैयारी में सरकार। सरकार से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए जल्द राहत पैकेज का इंतजाम करने की मांग। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का बयान, इंडस्ट्री को 6 से 7 महीने में होगा 15,000 करोड़ का नुकसान। अमेजोन के कर्मचारी 2 अक्टूबर तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। काम प्रभावित न होने की शर्त पर कंपनी देगी छूट। पिछले महीने ही 1,75,000 लोगों को दी नौकरी।